गाइस अभी दिन की शुरुआत हो रही है, बांध शुरू हो चुके हैं, जिसमें क्या बोलते हैं तेल चढ़ाना की कोई परंपरा होती है, तो वो चल रही है अभी यहाँ पे। अभी एक बार भाभी हैं, भाभी कर रहे हैं, उसके बाद शायद मेरी बारी आएगी, देखते हैं। मेरे को बिल्कुल मतलब आइडिया नहीं है क्या करते हैं, बट इसमें से कुछ निकालना है और वो 5 बार लगाना है, पैरों पे, शोल्डर पे और सिर पे तेल चढ़ाना बोलते हैं शायद। और यहाँ पे कुछ है जिसको बोलते हैं लड़की का थाप्पा है शायद, लड़की का मतलब थम, बायोमेट्रिक बोल सकते हैं। वो अब मेहंदी की जल्दी मेरे को आता नहीं, पहले मैं किसी और का देख लेता हूँ। क्या एक बार आप कर लो, हाथों में, पैरों पे और कंधे पे, 5 बार करना है सर, एक 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 चीज लेके। चलो अपनी बीवी को नहीं देना क्या ये तेल चढ़ाना चलेगा का जल ऊपर साल का नूप। कोई नहीं, ऐसे हालत होने वाली है जल्दी। अब हाथ में रखवा के फोटो खींचिए, वजह से रोशनी हुआ होगी, वीडियो बन रही है आपके। और अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कल फंक्शन हुआ था, हल्दी का फंक्शन हुआ था, आज ये थीम बिल्कुल चेंज होने वाली है, इसकी जगह अब मेहंदी का फंक्शन होएगा यहाँ पे। आज यहाँ हल्दी की जगह मेहंदी के बैचेस वगैरह लगेंगे सारे, तो डेकोरेशन शुरू हो चुकी है, अभी एक बार कर देते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। तो गाइस अभी पूरा प्रोसीजर हो चुका है, प्रोसेस बोलते हैं जिसको, और अभी कुछ प्रोसेस ऐसा था जिसपे लड़की मतलब जो भी होते हैं बैचलर्स, उनके सिर पे पता नहीं क्या दुपट्टा रखते हैं, उससे बोलते हैं शादी जल्दी हो जाती है, तो मैंने भी करवा लिया वो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी। अरे थोड़ा स्लो कर लो यार, शादी वाला घर है, चलता है ऐसा, बट यार तुम्हारी वजह से मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है, थोड़ा स्लो कर लो, ठीक है। नहीं कर रहे, कोई नहीं, मैं दरवाजा ही बंद कर देता हूँ एक बार, अब ठीक है। कहाँ से शुरू करता हूँ, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। मुझे पता नहीं था इतने सारे फंक्शंस होते हैं शादी के टाइम पे, शायद एक दिन में इनके दो दो तीन तीन फंक्शन चल रहे हैं, मतलब लिटरली बता रहा हूँ आपको। मैं ड्रेसेस लेके आया था 5 दिन के हिसाब से लेके आया था, हल्दी की, मेहंदी की, बैचलर्स की, शादी की, कीर्तन की, बट इनके क्या हो रहा है, एक दिन में दो दो तीन तीन फंक्शन हो रहे हैं। अभी देख लिया आपने, सुबह उठा था मैं तो नॉर्मल अपनी गाड़ी में जा रहा था, देखा तो वहां फंक्शन कोई चल रहा है, जबरदस्ती खींच लाए मेरे को, बोले तेल वेल चढ़ाने हैं, वो करो आप, मैं ठीक है कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो मैंने अभी फिलहाल एक फंक्शन है छोटा सा, मतलब कि बाण वगैरह होता है, बाण बिठाते हैं फैमिली में ही, कोई उनके ऑफर करते हैं लंच वगैरह जो भी होता है, हाँ ऐसा ही कुछ बताया था, तो वो है वहां पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा नॉर्मली यही डाल के चला जाता हूँ। और जो रात को है मेन फंक्शन, रात को आज मेहंदी है, आपने हल्दी तो देख ली होगी, हल्दी थी ना कल, हाँ हल्दी थी येलो, आज मेहंदी है, उसके लिए मेरे पास ड्रेस है, तो उस टाइम पे मैं चेंज कर लूंगा, दोबारा से नहा लूंगा। और सीरियसली बता रहा हूँ यार, मतलब अच्छा भी लग रहा है, पॉजिटिविटी भी आ रही है, आपको पता है गुड़गांव में मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी फैमिली आसपास है, जो आपको एक अटेंशन मिलती है बहुत स्पेशल लगती है, कभी आंटी कभी अंकल सब, पूरी फैमिली, कभी दीपिका, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छे दिन जा रहे हैं। और अभी आपको लुक दिखा देता हूँ दीपिका का, डेकोरेशन तो एज इट इज है, बस वो हल्दी की जगह मेहंदी वाला शुरू कर दिया है। कहाँ है दीपिका, कहाँ है, अभी ओए बावन का चलेगा भाई साहब, क्या बात है, ये पक्का स्ट्राइक लगवाएंगे मेरी वीडियोस में।
जाएगी मम्मी। अभी चलते हैं एक बार, डांस वांस तो चलता रहेगा। अभी आपको खाना वाना दिखा देता हूँ। यहाँ पे सैलेड है और पूरी है, पनीर की सब्जी है और सूखी सब्जी है और प्रसाद है। तो अभी एक बार मैं भी खा लेता हूँ, रायता भी है वहाँ पे। तो गाइस अभी नाश्ता कर लिया पेट भर के, यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो गाइस अभी नाश्ता कर लिया है अच्छे से पेट भर के। और क्या है, दीपिका से भी पूछा था, बट दीपिका का आज फास्ट है। कुछ होता होगा ना, रिचुअल्स वगैरह होंगे कि मतलब उस दिन खाली पेट रहना होता है। और आज कुछ वो भी बांध दिया है, कुछ बोलते हैं उसको जो पैर में बांध देते हैं, हाथ में बांध देते हैं, उसके बाद लड़की फिर घर से बाहर नहीं निकलती है। तो शायद वो आज होगा या शायद ऑलरेडी हो चुका है। बट अभी थोड़ी देर में हमें निकलना है बांध के लिए। पता नहीं, बांध ही बोला था शायद, कुछ होता है मतलब फैमिली वाले ही करते हैं। तो अभी बस 10-15 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। आगे दिखाता हूँ आपको हरियाणा में क्या होता है और स्पेशली बनिया फैमिली में क्या होता है। मतलब मजे आ रहे हैं यार जो भी है। तो गाइस फाइनली अब दीपिका रेडी हो चुकी है, और एक बार आउटफिट देख लो दीपिका का बांध के लिए। तुमने कितने ड्रेसेस लिए हैं अभी तक? मेरी हर एक फंक्शन की अलग अलग। यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ दीपिका हर 4 घंटे में कपड़े चेंज कर रही है, अलग अलग आउटफिट हर चीज के लिए स्पेशली। फंक्शन भी तो हर एक अलग अलग है यार। मुझे 5 फंक्शन बताए थे, लेकिन यहाँ दिन में 3-3 फंक्शन चल रहे हैं। चले अभी लड़के चला लेते। तुम्हारे वो हो गया हाथ पे जो जिसके बाद निकलना नहीं होता, तो इसके बाद जा सकती हूँ? अच्छा फंक्शन में, मतलब वैसे नहीं जा सकते? वो दे दिया। तुम्हारा फास्ट है ना आज? नहीं हो चुका फ्री। हाँ, अब खा सकते हो? ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने फिर अकेले खाया। चले अभी। हाँ। चलो अभी जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। तो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और फाइनली पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। अभी गाड़ी पार्क कर देता हूँ यहाँ पे। आगे ऐसे क्या कुत्ते थोड़ी है, देखना चाहिए सबको भी। वो We'll be right back.
गाइस अभी आ चुके हैं जिन्होंने बाना दिया था उनके घर पे, और अभी रिफ्रेशमेंट के लिए नाश्ता वगैरह है यहाँ पे वो मिल रहा है। और अभी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अभी दीपिका की जो सिस्टर है जिमनी वो थोड़ा सा उदास हो चुकी है, नाराज हो चुकी है। एक्चुअली में हुआ क्या, सारी गाड़ियाँ चली गई थी और मतलब जिमनी को घर पे ही भूल गए, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे टाइम से सुबह से काम करवा रही है, सब कुछ सबकी हेल्प करवा रही है, उसको भूल जाना अब थोड़ी सी नाराज है। लेकिन चलता है, शादी में ये सब चीजें होती रहती हैं, थोड़ी सी उदास है बट अभी मना लेंगे इसको। धीरे धीरे स्माइल आ रही है जिमनी के फेस पे वापस, तो देखना सारे मनाने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पे। जिमनी स्माइल करना। तो गाइस अभी काफी देर हो चुकी है, रिफ्रेशमेंट वगैरह हो चुकी है, जो मतलब होस्टिंग करते हैं ना कुछ नाश्ता वगैरह होता है वो सब हो चुका है, और अभी अंदर शुरू हो चुका है संगीत जो होता है। पता नहीं मतलब मेरे को जनरली बता रहा हूँ कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो भी है आप करेक्शन कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो, मतलब किसी और चीज़ को किसी और तरीके से। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, अंदर डांस चल रहा है, नाच गाना वगैरह सब कुछ, तो अभी आपको वो दिखा देता हूँ। गाइस अभी बाहर आ चुका हूँ, अंदर काफी शोर भी हो रहा था, मतलब सब इंजॉय कर रहे थे, अब मेरे को खींच रहे थे डांस के लिए, बट ऑब्वियसली आपको पता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो डांस वांस करने का मन नहीं करता। बट अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ मेरी नजर पड़ी है एक चीज पे, वो ये देखो, ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसका नंबर देख लो 8000 8000। और अब आपको एक और दिखाता हूँ गाड़ी, यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है, इसका ध्यान से देखना, इसका भी नंबर, ये भी सार नंबर ही है, इसका भी सेम नंबर है 8000। तो गाइस अभी शायद ओवर होने वाला है, तो मैं बाहर ही हूँ, बाहर टाइम पास करने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सोच रहा हूँ टाइम पास कहाँ करूँ, तो कुछ लग रहा है टाइम पास के लिए है यहाँ। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम? योर नेम इज यश। व्हाट इज़ योर फादर नेम? व्हाट इज़ योर मदर नेम? What is her Instagram ID? Just kidding guys, मजाक कर रहा हूँ, बच्चा है यार। तो guys बस अभी मजाक कर रहा था, इसको मजाक की तरीके से ही लेना, पूरी फैमिली है, सबसे मिला हुआ हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो guys अब यहाँ पे नेक्स्ट रस्म शुरू हो चुकी है, अब इसको क्या बोलते हैं, हाँ जी मम्मी मंजुलिका लग रही है, दीपिका थोड़ी थोड़ी मंजुलिका जैसी लग रही है। तो गाइस अभी यहाँ से पैकअप हो चुका है और मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, टाइम देख लो 4:30 बज चुके हैं, 3 बजे का टाइम मेहंदी का था बट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभी ढोल वाले हैं उनको भी साथ ही लेके चल रहे हैं, मतलब आगे भी प्रोग्राम होगा। तो गाइस अभी 4:40 हो चुके हैं और फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे घर पे, अभी एक बार गाड़ी पार्क कर देता हूँ और थोड़ी देर ब्रेक लेता हूँ मैं कुछ टाइम के लिए।
तो गाइस अभी म्यूजिक वगैरह सब बंद हो चुका है और आपको बता देता हूँ क्या है, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मतलब जहाँ पहली जगह गए थे ना वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब जो दीपिका की बहन है वो मिस हो गई थी यहाँ पे, बट फिर उसके बिना कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, एंट्री नहीं करवा सकते थे क्योंकि उसको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। उसने पूरा डेडिकेशन दिया है, अच्छे से काम किया, सब कुछ किया, तो इतना चाव तो होता ही है छोटी बहन को, तो इसलिए हमने थोड़ा सा डिले कर दिया और उसकी वजह से सारे प्रोग्राम डिले हो गए। तो अभी मेरी दीपिका से बात हुई थी तो उसने बताया मेहंदी 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद शुरू होएगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसका अलग से ही एक व्लॉग बना दूंगा, मिक्स नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो को, इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ और आपको क्या करना है, आप बस अपनी ब्लेसिंग्स दे देना, अपने ग्रीटिंग्स दे देना, अपने अच्छे अच्छे विशेस दे देना, दैट्स इट। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मेहंदी के व्लॉग में, बाय।